बाजार के पंडित। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाजार के पंडित पे। मैं हूं प्रभास मिश्रा। आज आ गया मैं फिर से एक नया वीडियो लेके। तो बात करेंगे आज पूरा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड, और कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो में अंत बने रहिएगा, इसके ना भूलिएगा। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि अगर आप लोग को हमसे इंट्राडे की कॉल चाहिए, ठीक है, अगर आप लोग को इंट्राडे की कॉल चाहिए तो हम लोग आपकी इंट्राडे की एक स्पेशल कॉल देंगे आप लोगों को। अगर जो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें आप लोग डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं जीरोधा के साथ, अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो हम लोग आपको इंट्राडे की स्पेशल कॉल देंगे आपको थ्रू द ईमेल। तो ये याद रखिएगा और डीमेट अकाउंट खुलवाइएगा, इसलिए क्योंकि बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं जो आने वाले समय में आपको बहुत ही बेनिफिट दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो बात करेंगे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का शेयर। जैसे कि पता होगा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 210 पे लाई कर रहा है, क्लियर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जब 235 का लेवल ब्रेक होगा उसके बाद ये स्टॉक 216 का लेवल दिखाता है वो दिखेगा, और ये तब से वहां से 210 से 16 के बीच में लाई कर रहा है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज बता देते हैं। पहले तो बात करते हैं, मैंने आपको बताया 18 नवंबर तक ये आपको वोलेटिलिटी दिखेगी, क्योंकि 18 नवंबर क्या है, X डेट ऑफ डिविडेंड है। क्या है? X डेट ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड जब तक क्या होता है, कुछ लोग एंट्री कर रहे हैं इसलिए ताकि डिविडेंड के X डेट पे वो एग्जिट कर लें, क्लियर है, ताकि उनको केवल डिविडेंड मिल जाए अकाउंट में बस। तो उस समय तक ये क्या था, वोलेटिलिटी दिखेगी, जैसा कि दिख रहा होगा कि 5% की डिलीवरी आई, इतनी ट्रेडिंग चल रही है इंट्राडे में कि 5% की केवल मात्र क्या हुई है, डिलीवरी आई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो लास्ट डे यानी कि कल क्या हुआ है, कल एक पर्टिकुलर प्रॉब अगेंस्ट क्या कर दिया, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के थ्रू जो गवर्नमेंट क्या था, एक केस चल रहा था जो आपको पता ही होगा, दिल्ली हाई कोर्ट में PIL डाला गया है। तो इस पे क्या था, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था, आपको पता होगा कि केस से रिलेटेड जो मैंने बताया था, जो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के जो रिजल्ट आए थे वो क्या थे, अनऑडिटेड थे, यानी कि तो ऑडिटेड रिजल्ट्स नहीं थे, क्लियर है। तो वहां पे क्या होता था, उन्होंने एक सबमिट करा गया गहलोत जी ने, जो फाउंडर चेयरमैन हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के, तो उन्होंने क्या करा है, प्रॉपर ऑडिटेड फाइनेंशियल ऑफ द पास्ट ईयर एंड द सम फाइनेंशियल ईयर के क्या करें, सबमिट करे, यानी पिछले कई सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट करा है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने उसमें क्या होता है, छानबीन मतलब देखना, इंस्पेक्शन करना शुरू कर दिया है। और गहलोत जी ने CNBC पे ये कहा है मैक्सिमली कि क्या होता है कि हम लोग बस गवर्नमेंट एक व्यू लेना चाहती है, ओवरव्यू लेना चाहती है कि कहीं हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में या फिर हमारे फंड डाइवर्सिफिकेशन में कोई भी डाइवर्जन तो नहीं है। तो ये सब चीजें, तो उसकी डेट भी 29 को है और आपकी हाई कोर्ट की PIL की डेट भी 29 है, तो दोनों की डेट्स क्या है, PIL। तो ये जो बड़े मुद्दे हैं वो कब सॉल्व होंगे, 29 को, अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है। मैं आपको प्रेडिक्शन करके बता रहा हूं केवल, अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो आपको बताएंगे ये बहुत ही अच्छी बात होगी सारे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के इन्वेस्टर्स के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये मामला मतलब हो जाए, हट जाए, तो यहां पे आपको काफी बाइंग आते हुए दिखेगी, बट 29 तक आपको ऐसी वॉलेटिलिटी दिखेगी। अब बात करते हैं कि क्या प्राइसेस रह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया 205 का लेवल अगर टूटता है, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद ये 200 के नीचे शेयर जाता हुआ दिखेगा। ये कब हो सकता है, अगर मार्केट में ऐसा प्रेशर बना रहा तो एक्स डेट तक हो सकता है, यानी 18 नवंबर तक आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक्स डेट जिस दिन भी होगी उस दिन के बाद तुरंत लोग एग्जिट मारेंगे। तो अभी तो चलिए डिलीवरी आई नहीं है, 5% की डिलीवरी है, तो ये आपको कहता है 205 का क्रूशियल लेवल याद रखना है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टारगेट क्या है, अगर मान लीजिए मोमेंटम अच्छे दिखाते हैं, मार्केट का प्रेशराइज नहीं रहती है, तो ये स्टॉक आपको 20 और 30 के बीच में भी दिख सकता है, 220 से 30 के बीच में भी दिख सकता है। तो 220-30 के अगर लेवल पे जाता है, सस्टेन करता है, तो आप इसमें बने रहिएगा और नॉर्मली 205 का लेवल देखते रहेगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो 500 पे होल्ड करके बैठे हैं, जो 600 के होल्ड पर, 400 पे होल्ड करके बैठे हैं, उनको एक इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन ये है कि 29 तक उन्हें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 29 को ये बहुत बड़ी बात है, तो ये आपको वेट यहां पे करना पड़ेगा। तो ये लेवल से याद रखिएगा, और बाकी के और इंफॉर्मेशन हम लोग को देते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।